अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ एंड मैथमेटिशियंस यूट्यूब चैनल। डियर, जैसा कि आपने देखा कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने थॉमस कलकुस एक्सरसाइज 2.6 के क्वेश्चन नंबर जो है वो 68 तक सॉल्व कर चुके हैं। अगर उस वीडियो का लिंक आप लोग देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है और यहाँ पे आई बटन पर भी आप लोग जाकर चेक कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। सिंपल था, इजी लेक्चर था, थोड़ा सा कंसेप्चुअल था। वो लेक्चर जो है वो आपको लाजमी देखना चाहिए क्योंकि वो जो है वो एक इंपॉर्टेंट लेक्चर है। अगर आज के लेक्चर की मैं बात करूँ तो आज के लेक्चर में भी हम थॉमस कलकुस एक्सरसाइज 2.6 के ही ये जो हमारे पास पोर्शन है इन्वेंटिंग ग्राफ्स एंड फंक्शंस, यानी कि क्वेश्चन नंबर 69, 70, 71 एंड 72 की जो है वो बात करूंगा। चारों क्वेश्चन में कंप्लीट सॉल्व करूंगा, सिंपल है, इजी है, आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए, बेल के बटन को भी लाजमी प्रेस किया करें ताकि नेक्स्ट टाइम जब कोई वीडियो अपलोड करता हूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। जी तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले जाना क्वेश्चन नंबर 69 की बात करते हैं। जिन्हें देखें जी, क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आप थोड़ा सा समझना होगा कि इन क्वेश्चन में बेसिकली उसने हमें पूछा क्या, हमने करना क्या है। देखें, उसने जो है ना वो यहाँ पे लिखा हुआ जी इन्वेंटिंग ग्राफ्स, हमने बेसिकली ग्राफ्स यहाँ पे बनाने हैं। कैसे बनाने? डिफरेंट फंक्शन में दिए, जिस तरह एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, हम जो है जिस तरह पढ़ते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू समथिंग, ये बेसिकली जो इक्वल होता है ये बेसिकली हमारे पास फंक्शन की जो है वो वैल्यू होती है, वाई की वैल्यू होती है, और ये हमारे पास जो एफ एफ के साथ ब्रैकेट में होते हैं ये हमारे पास बेसिकली एक्स की वैल्यू होती है। तो ये मैं उसने फंक्शन दिए हुए हैं, जिस तरह एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 2, एफ ऑफ -1 इज इक्वल टू -2, और लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -∞ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -1, और लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1। ये जो है ना वो डिफरेंट उसने हमें फंक्शंस दिए हुए हैं, इन्हीं फंक्शन से हमने जो है ना वो पॉइंट्स कंसीडर करके हमने जो है ना वो ग्राफ क्रिएट करना है। सिंपल है, इजी है, थोड़ा सा जो है ना एक दो क्वेश्चन आप समझेंगे तो बाकी दो क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं, लेकिन मैं जो ना वो चारों क्वेश्चन आपको यहाँ पे करवाऊंगा। तो देखें जी, कहता कि इसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, कहता है कि ना कोई फार्मूला आपको यूज़ करने की जरूरत है, ना जो डिटेल में जाने की जरूरत, जस्ट आपने क्या करना है इन फंक्शंस को देखें, इनसे जो है ना वो पॉइंट कंसीडर करें, जो है ना वो ग्राफ क्रिएट करें। तो देखें जी, यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे बेसिकली आपके पास एक्स की वैल्यू 0 है और फंक्शन की हो, और फंक्शन जो कि वाई के इक्वल उसकी वैल्यू यहाँ पे है 0। तो फर्स्ट यहाँ पे पहले हम जो है ना वो पॉइंट्स बना लेते हैं। तो पहला पॉइंट आपके पास बनेगा 0 0, क्योंकि ये एक्स है, एक्स 0, और ये वाई है, वाई भी 0। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, दूसरा पॉइंट ये आपके पास 1 है और y आपके पास 2 है। नेक्स्ट पॉइंट में देखें, यहाँ पे x आपके पास -1 है, y आपके पास -2 है। नेक्स्ट यहाँ पे देखें जी, x अप्रोच कर रहा है -∞ पे, यानी कि x -∞ और y आपके पास है जी -1 है, यहाँ पे आया हुआ है। उससे नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, x अप्रोच कर इन्फिनिटी पे, x इन्फिनिटी और y आपके पास 1 आ रहा है जी। तो ये आपके पास कुछ पॉइंट्स बन गए। अब इन्हीं पॉइंट्स को जो है वो देखते हैं, हम यहाँ पे ग्राफ जो है वो स्केच करेंगे। सिंपल है, इजी है। देखें जी, यहाँ पे हमारे पास जो नंबर लाइंस मैंने यहाँ पे लगा दी, ये आपके पास एक्स एक्सिस और ये आपके पास यहाँ पे वाई एक्सिस है। तो सबसे पहले पॉइंट की बात करें तो सिंपल आपने पॉइंट्स लगाने हैं, पॉइंट्स को समझने की आपने कोशिश करनी है कि ग्राफ किस तरह क्रिएट यहाँ पे होगा। तो पहला पॉइंट है 0 0, यानी कि जब एक्स 0 है तो वाई भी 0 है। तो 0 0 यहाँ पे आपके पास ओरिजिन पे, यहाँ पे आपके पास 0 0 होता है, ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास जब एक्स एक्स की वैल्यू 1 है तो वाई 2 आ रहा है। एक्स एक्सिस के ये 1 है और वाई ये 2 है, तो 1 और 2 यहाँ के सामने यहाँ पे इसका जो है ना वो पॉइंट लगेगा, 1 और 2 के सामने। एक्स 1 है, वाई 2 है। नेक्स्ट पॉइंट है जी, एक्स माइनस 1 है, वाई माइनस 2 है। तो एक्स माइनस 1 ये है और माइनस 1 के सामने माइनस 2, तो माइनस 2 ये नीचे है, माइनस 1 के सामने माइनस 2 यहाँ पे पॉइंट लगाएगा, ये जी यहाँ पे लग गया, ठीक है जी। तो इन तीन पॉइंट्स को हमने यहाँ पे लगा लिए। पहले इन तीन पॉइंट्स को आप आपस में मिला सकते हैं, मिलाने के बाद जो है ना वो आप लोग बाकी जो है ना ग्राफ की बात करते हैं जी। इन तीनों पॉइंट्स को आप लोग आपस में मिला दें, ये आपके पास इन तीनों पॉइंट्स का ग्राफ बन गया। आप देखें जी, यहाँ पे समझने वाली बात बेसिकली क्या है, कहता है कि जब x जो है ना वो माइनस इन्फिनिटी की तरफ है और y जो है ना वो आपके पास माइनस 1 है, ठीक है। तो माइनस 1, पहले तो बात यह है कि y माइनस 1 कहाँ पे है, y माइनस 1 ये है। तो ग्राफ जो है ना वो ये पॉइंट यहाँ पे, ये पॉइंट यहाँ पे आकर रुक रहा है, फिर यहाँ से जो है ना वो ग्राफ शुरू होगा, क्योंकि यहाँ पे आके ग्राफ जो है ना वो यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ से फिर आगे पीछे जाएगा ना। तो ये बेसिकली कहता है कि एक्स माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, ये एक्स एक्सिस है, ये माइनस इन्फिनिटी लेफ्ट साइड को होता है, एक्स जा रहा है माइनस इन्फिनिटी को, कहाँ पे वाई इज इक्वल टू माइनस 1, तो माइनस 1 ये है, तो यानी कि इसके सामने सामने माइनस इन्फिनिटी को जो है ना वो अप्रोच करेगा, यहाँ से, यहाँ से इस तरह माइनस 1 के, ये माइनस 1 के सामने इसको ले जाएं और इन्फिनिटी की तरफ इस तरह चलेगा, माइनस इन्फिनिटी की तरफ, ठीक है जी। यहाँ पे ये चीज़ आपके पास बन गई, ये थोड़ा सा ऊपर आएगा, आई थिंक थोड़ी सी जो है ना वो लाइन यहाँ पे सही नहीं लगी,
आप जो है ना वो ज़रा इसको गौर से करेंगे, ये देखें जी कुछ इस तरह से, ठीक है जी। आप बिल्कुल इसी तरह कहता है कि एक्स जो है ना वो इन्फिनिटी को जा रहा है एट वाई इज इक्वल टू वन, जब वाई आपके पास वन है, एक्स जब इन्फिनिटी है तो वाई वन है, तो वाई वन ये है, तो ये वाई वन है बेसिकली, तो एक्स जा रहा है इन्फिनिटी को, तो फिर ये इस तरह से वाई के सामने इस तरह से जाएगा जी, ये वन के सामने कुछ इस तरह से जाएगा जी, ठीक है जी। यही था हमारा जनाब ग्राफ कंप्लीट हो चुका है। पॉइंट कहा सकते हैं, ये जो बेसिकली आपके पास पॉइंट था ये जीरो जीरो वाला पॉइंट था, वन और टू वाला पॉइंट कौन था, ये वन और टू, ये वाला पॉइंट था वन टू, माइनस टू ये वाला पॉइंट था माइनस वन माइनस टू, और बाकी जनाब आपको पता है इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, इन्फिनिटी एट वाई अप्रोचेज टू वाई इक्वल टू वन, ये जा रहा माइनस इन्फिनिटी एट वाई इक्वल टू माइनस वन। ये सिंपल था, इजी था, ग्राफ आपके पास बन चुका है। यही था क्वेश्चन नंबर 69। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70। बस क्वेश्चन नंबर 70, एफ ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो लिमिट एक्स अप्रोच प्लस माइनस इन्फिनिटी, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो लिमिट एक्स अप्रोच जीरो के ऊपर पॉजिटिव, यानी कि जीरो के ऊपर राइट हैंड लिमिट की बात कर रहा है, फंक्शन इक्वल टू टू लिमिट एक्स अप्रोच जीरो के ऊपर नेगेटिव, फंक्शन इज इक्वल टू माइनस टू। तो ये सबसे पहले जो है यहाँ से आप लोग पॉइंट बना लेंगे, तो पॉइंट पहला पॉइंट है यहाँ पे एक्स और ये भी जीरो है, ये भी जीरो, तो पहला पॉइंट आपके पास बनेगा जीरो जीरो। दूसरा पॉइंट देखें जी, ये प्लस भी इन्फिनिटी की बात कर रहा है, माइनस इन्फिनिटी की भी बात कर रहा है, यानी कि प्लस इन्फिनिटी पे भी जो है ना वो जीरो है और माइनस इन्फिनिटी पे भी जीरो है। इसको जो है ना हम दोनों पॉइंट्स को सेपरेट करके लिख लिया। नेक्स्ट जो है ना वो जब एक्स जो है ना वो जीरो के ऊपर पॉजिटिव है तो वाई आपके पास टू है, ये पॉइंट बन गया। जब जीरो के ऊपर नेगेटिव है तो वाई माइनस टू है, ये पॉइंट बन गया। अब जो है ना वो आप लोग इसका ग्राफ बना सकते हैं। देखें जी, ये हमने जो है ना इसके पॉइंट्स लगा लिए, ये पॉइंट आपके पास जीरो जीरो, उसके बाद जो है ना वो प्लस, ये सारे पॉइंट्स आपके पास लग गए हैं। अब जो है ना इसका ग्राफ आप लोग इजीली क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आपके पास जीरो जीरो, तो जीरो जीरो आपके पास यही रीजन पे होता है, जो जीरो जीरो यहाँ पे पॉइंट लग गया। उसके बाद जो है ना सबसे पहले आप लोग कोशिश करेंगे जो आपके पास इन्फिनिटी के अलावा जो पॉइंट्स है, जिस तरह ये टू है, ये माइनस टू है, पहले इन पे चेक कर लें, इन पे जो है ना वो पहले करेंगे तो आपके लिए इजी होगा। तो सबसे पहले इस पे जो है ना वो देखते हैं, कहता है कि अगर जीरो के ऊपर राइट हैंड से अप्रोच करवाएं तो वाई जो है ना वो यहाँ पे टू आ रहा है, ठीक है जी। तो ये आपके पास जीरो है, जीरो से जीरो एक्स के, एक्स जीरो है, लेकिन क्या ऊपर पॉजिटिव है, यानी कि जीरो के ऊपर राइट हैंड से जो है ना वो लिमिट अप्रोच करवाएं राइट हैंड से, तो y जो है ना वो आपके पास क्या आ रहा है, आपके पास 2 आ रहा है। तो 2 कहाँ पे, ये आपके पास 2 है, यहाँ पे आपके पास 2 है, y आपके पास 2 यहाँ पे है। तो ये देखें, अब यहाँ पे आपके पास लगेगा होल डॉट, डॉट को फिल नहीं करना, होल डॉट लगेगा, क्यों लगेगा, अब मैं ये आपको बताने जा रहा हूँ। कहता है कि जीरो के ऊपर जो है ना वो राइट हैंड से अप्रोच कर रहा है, तो जीरो जो है ना वो एक्स एक्सिस जो है वो एक्स जीरो कहाँ पे होता है, वाई एक्सिस के ऊपर। एक्स जीरो कहाँ पे होता है, ये जो आपके पास इक्वेशन है x इज इक्वल टू जीरो, ये कहाँ पे होता है, ये y एक्सिस के ऊपर x जीरो होता है। तो y एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू कितनी देर दी हुई है, उसने 2 दी हुई है, तो 2 फिर यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे पॉइंट तो बनेगा, लेकिन यहाँ पे फील्ड डॉट आएगा, यहाँ पे होल डॉट आएगा। होल डॉट क्यों आएगा, क्योंकि जीरो को जो है ना वो राइट हैंड से अप्रोच कर रहा है, जीरो नहीं है, इसका यह मतलब है कि जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा है राइट हैंड लिमिट से, जीरो एग्जैक्ट नहीं है। तो जब अप्रोच कर रहा तो एग्जैक्ट नहीं होता, तो फिर वहाँ पे फील्ड डॉट नहीं आता, वहाँ पे होल डॉट आता है, इसलिए यहाँ पे होल डॉट है, ठीक है जी। तो ये मैं यहाँ पे जो है वो पॉइंट आपके सामने मैंने लगा दिया। आप इस पॉइंट की बात कर लेते हैं, कहता है कि जब जीरो के ऊपर ये ही जीरो है, यहाँ पे जीरो है बेसिकली, तो जीरो के ऊपर जब लेफ्ट हैंड से अप्रोच करवाएंगे तो फिर वाई की वैल्यू माइनस टू है, तो माइनस टू यहाँ पे है, तो यहाँ पे भी जो आपके पास जो है ना वो होल डॉट लगेगा, फील्ड डॉट नहीं लगेगा। क्यों होल डॉट लगेगा, क्योंकि जो ना वो एक्स जो ना वो जीरो के ऊपर नेगेटिव है, लेफ्ट हैंड से अप्रोच कर रहा है इस लाइन के ऊपर, लेकिन एग्जैक्ट जो ना वो जीरो नहीं है, इसलिए जो ना वो यहाँ पे भी फील्ड डॉट नहीं बल्कि होल डॉट लगेगा वाई इज इक्वल टू माइनस टू पे। यहाँ पे जो ना वो यहाँ तक आपको समझ आ गई। अब जो ना वो ये दो हमारे पास पॉइंट्स रह गए हैं, पहले इस पॉइंट की बात करते हैं। कहता है कि एक्स जो ना वो प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है एट वाई इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो वाई जो ना वो आपके पास जीरो कहाँ पे होता है, ये y0 है, y0 कहाँ पे होता है, x एक्सिस के ऊपर। तो x जो है ना वो एक्सिस किस तरफ जा रहा है, प्लस इन्फिनिटी की तरफ। तो ये आपके पास बेसिकली पॉइंट है ना, क्योंकि जहाँ पे पॉइंट है हमने वहाँ से ग्राफ स्टार्ट करना होता है, यही आपके पास बेसिकली पॉइंट है। तो कहता है कि x जा रहा है प्लस इन्फिनिटी की तरफ और y0 है, जो जो हम जो है ना वो x एक्सिस की तरफ अप्रोच करेंगे तो y0 होता चला जाएगा। तो ये कोई पॉइंट इस तरह से बनेगा, यहाँ से
इस तरह से इस साइड को जो है वो चलता जाएगा। क्यों? क्योंकि जो है वो एक्स जो है वो प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, वाई जीरो जो जो यहाँ पर जाएगा वाई जीरो होता जाएगा क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर वाई जीरो होता है। दूसरी बात, एक्स जो है वो माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, इस ये पॉइंट हमारे पास, अब यहाँ से जो है वो माइनस इन्फिनिटी की तरफ हमने जाना है, ये जो है वो जा रहा है माइनस इन्फिनिटी की तरफ वाई जीरो। तो देखें जी, जो जो आप माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो वाई जीरो होता चला जाएगा, ऐसे ही है जी, वाई जीरो को अप्रोच, क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर वाई जीरो होता है, माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है और जीरो होता जा रहा है, प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है जीरो होता जा रहा है। सिंपल था, इजी था, ये आपके पास जो पॉइंट था ये था आपके पास जीरो जीरो, बाकी जो है ना वो पॉइंट्स आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे, ये सिंपल था, इजी ग्राफ था। अगर आपको थोड़ी सी भी समझ आती है तो काइंड सब्सक्राइब लाजमी किया करें, सब्सक्राइब करेंगे तो मैं जो है मजीद आपके लिए वीडियोज़ लेके आऊँगा, क्योंकि अप्रिसिएशन मिलती है, दिल करता है कि मजीद वीडियोज़ आपके लिए लेके आए। अगर समझ नहीं आती तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पर ज्वाइन करें, व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें, आपको जो है वो लाजमी लेक्चर के हवाले से अगर आप पूछेंगे तो आपको लाजमी जो है गाइड किया जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 71 की बात करते हैं। 71 में कहता है जी एफ ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो लिमिट, ये हमें जो है उसने तमाम फंक्शंस दिए हुए हैं, तो इन्हीं फंक्शंस की तरफ देखें, सबसे पहले हम पॉइंट्स को कंसीडर करेंगे, पॉइंट्स को कंसीडर करने के बाद हम जो है इसका ग्राफ स्केच करेंगे, जैसे हमने जो है वो पहले दो क्वेश्चंस का किया। देखें जी, सबसे पहले यहाँ पे जब एक्स जीरो है तो वाई भी आपके पास जीरो, तो पहला पॉइंट आपके पास जीरो जीरो ही यहाँ पे भी बनेगा। दूसरे पॉइंट की बात करें, यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों इन्फिनिटी की बात कर रहे हैं, तो प्लस इन्फिनिटी पे भी जो है वो वाई जीरो है, यानी कि प्लस इन्फिनिटी पे भी वाई आपके पास जीरो है और माइनस इन्फिनिटी पे भी वाई आपके पास जीरो है, ये दो पॉइंट्स बन गए। उसके बाद वन के ऊपर नेगेटिव वाई इन्फिनिटी, वन के ऊपर नेगेटिव वाई इन्फिनिटी है, उसके बाद जो है ना वो माइनस वन के ऊपर पॉजिटिव, माइनस वन के ऊपर पॉजिटिव वाई इन्फिनिटी। अगला पॉइंट देखें जी, वन के ऊपर पॉजिटिव वाई आपके पास माइनस इन्फिनिटी, और लास्ट पॉइंट है जी माइनस वन के ऊपर नेगेटिव वाई आपके पास है माइनस इन्फिनिटी। ये थे हमारे पास जाना वो क्वेश्चन नंबर 71 के जो पॉइंट्स, इन्हीं पॉइंट्स को देखते हो हम अब इसका ग्राफ स्केच करेंगे। देखें जी, हमारे पास जाना वो ये नंबर लाइन मैंने यहाँ पे लगा दी, ये आपके पास एक्स एक्सिस और ये आपके पास जाना वो वाई एक्सिस है। अब देखें जी, यहाँ पे सबसे पहले आपके पास पास जो पॉइंट है वो है जीरो जीरो, यानी कि जीरो जीरो यही आपके पास पॉइंट होगा जो ओरिजिन के ऊपर होता है। उसके बाद जाना वो पहले भी आपको बता चुका हूँ कि आप लोग जाना वो इन्फिनिटी के अलावा जो पॉइंट्स उन पे जाना वो पहले ड्रा करें, आपके लिए जाना वो इजी होगा। तो देखिए, यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे जाना वो वन है, यहाँ पे भी आपके पास यहाँ पे माइनस वन है, यहाँ पे वन है, यहाँ पे भी माइनस वन है, यानी कि ये जो है ना वो ग्राफ वन और माइनस वन के साथ साथ, माइनस वन के आगे पीछे, वन और माइनस वन के साथ साथ कहीं पे जो है ना वो लाइक आ रहा है। बेसिकली यहाँ पे ये जो आपके पास वन और माइनस वन है, इनको आप जो है ना वर्टिकल एसिम्प्टोट्स भी कह सकते हैं, यानी कि वन और माइनस वन जो है ना वो आप लोग, अगर मैं यहाँ पे मैंशन कर दूँ, वन जो है ना वो अगर मैं यहाँ पे मैंशन करूँ इस तरह से, वन जो है ना वो अगर मैं यहाँ पे एज अ वर्टिकल एसिम्प्टोट यहाँ पे मेंशन कर दूँ, उसी तरह जो है वो माइनस वन भी मैं यहाँ पे अगर मेंशन कर दूँ, तो आपके लिए जो है ना वो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना आपके लिए इजी हो जाएगा। कैसे इजी होगा? देखें जी, मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए। अब देखें जी, सबसे पहले इस पॉइंट की बात करते हैं। कहता है जब वन के ऊपर लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहा है तो वाई जा रहा है इन्फिनिटी की तरफ। तो देखें जी, ये बेसिकली आपके पास वन था यहाँ पे, तो वन से जाना वो लेफ्ट हैंड लिमिट की तरफ, वन की तरफ अप्रोच करवाएं तो वाई जा रहा है ऊपर इन्फिनिटी की तरफ, इन्फिनिटी पॉजिटिव वाई ऊपर की तरफ होता है, तो ये आपके पास पॉइंट है, तो यहाँ से फिर ऊपर की तरफ जाएगा, यहाँ से कुछ इस तरह से जाना वो आपके पास ये ऊपर की तरफ जाएगा, इस जाना वो वर्टिकल एसिम्प्टोट के साथ साथ जाना वो ग्राफ चलता जाएगा। क्यों? दोबारा देखें, ये वन था, ये वन है, वन के ऊपर से लेफ्ट हैंड की तरफ अप्रोच करवाना है और वाई जा रहा है इन्फिनिटी, तो ये लेफ्ट हैंड से अप्रोच करवाया, वाई ऊपर को जा रहा है इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। बिल्कुल इसी तरह से आप इस पॉइंट की बात कर लेते हैं, माइनस वन कहाँ पे, ये माइनस वन है, माइनस वन से जो है ना वो राइट हैंड से अप्रोच करवाएं तो वाई जा रहा है इन्फिनिटी की तरफ ऊपर की तरफ, तो ये राइट हैंड से जो है ना वो माइनस वन पे अप्रोच करवाते हैं तो ये देखें जी वाई ऊपर जा रहा है इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। समझ आ गई? सिंपल है, ईजी है, दोबारा जो है ना वो बैक करके आप देख सकते हैं। नेक्स्ट देखें जी, वन के ऊपर जब पॉजिटिव है तो वाई जा रहा है माइनस इन्फिनिटी की तरफ, यानी कि जब जाना वो x आपके पास 1 है तो 1 ये है, 1 ये है, तो यहाँ पे जाना वो राइट हैंड से जब अप्रोच करें तो y जा रहा है माइनस इन्फिनिटी की तरफ, यानी कि कुछ इस तरह से जा रहा है, ये देखें जी यहाँ पे 1 पे ऊपर जाना अप्रोच कर रहा है तो y जा रहा है माइनस इन्फिनिटी नीचे की तरफ होता है, ये देखें जी नीचे को माइनस इन्फिनिटी की तरफ, और राइट हैंड से 1 पे ये 1 है, ये 1 पे अप्रोच हो रहा है कि नहीं हो रहा,
नेक्स्ट माइनस वन के ऊपर नेगेटिव है, तो माइनस वन ये है, माइनस वन के ऊपर जो है ना वो लेफ्ट हैंड से अप्रोच हो रहा है, जा रहा है माइनस इन्फिनिटी नीचे की तरफ। माइनस इन्फिनिटी कहाँ पे होता है, नीचे की तरफ होता है। तो लेफ्ट हैंड से माइनस वन, ये माइनस वन की लाइन है, लेफ्ट हैंड से माइनस वन की तरफ और नीचे माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। तो ये इस तरह से बनेगा जी, ये इस तरह से, ये देखें जी, यही था हमारे पास जाना वो क्वेश्चन नंबर 71 सिंपल था, इजी था। बाकी जाना ये पॉइंट सारे मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं, अगर ये पॉइंट खुद खुद यहाँ पे ऑटोमेटिकली लग चुके हैं। अब देखें जी बाकी ये जो आपके पास दो पॉइंट ऑटोमेटिकली यहाँ पे लग चुके हैं, कैसे देखें, एक्स जाना वो जब इन्फिनिटी को जा रहा है तो वाई जाना वो जीरो को अप्रोच कर रहा है। तो देखिए ये एक्स इन्फिनिटी को जा रहा है राइट हैंड साइड तरफ, ये इन्फिनिटी को जा रहा है तो ये क्योंकि एक्स एक्सिस के पैरेलल हो रहा है तो एक्स एक्सिस के जाना वो वाई ऑलरेडी आपके पास जीरो होता है, ठीक है। तो जो जो है ना ये यहाँ पे ग्राफ जा रहा है इन्फिनिटी की तरफ तो वाई जीरो है क्योंकि एक्स एक्सिस पर वाई जीरो ही होता है। माइनस इन्फिनिटी की तरफ जब ग्राफ जा रहा है तो फिर भी वाई जीरो है क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर जो है ना वो वाई जीरो ही होता है, ठीक है जी। ये आपके पास जो है वो 71 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, नेक्स्ट 72 की बात करते हैं जी। नेक्स्ट है जी हमारे पास आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। ये हमें जो है उसने कुछ फंक्शंस दिए हुए हैं, तो सबसे पहले इसके पॉइंट्स हम बना लेते हैं। सबसे पहले पॉइंट जब एक्स जो है वो 2 है तो वाई आपके पास 1 है, तो 2 और 1 आपके पास पॉइंट बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट बनेगा जब एक्स माइनस 1 है तो वाई आपके पास 0 है, तो माइनस वन और जीरो बन जाएगा। उसके बाद देखें जी जब एक्स इन्फिनिटी है तो वाई जो है ना वो आपके पास जीरो है, तो एक्स इन्फिनिटी है तो आपके पास वाई यहाँ पे जीरो आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, जब एक्स अप्रोच करे जीरो के ऊपर पॉजिटिव तो वाई इन्फिनिटी है, जीरो के ऊपर पॉजिटिव है वाई आपके पास इन्फिनिटी है, जीरो के ऊपर नेगेटिव है वाई माइनस इन्फिनिटी, जीरो के ऊपर नेगेटिव वाई माइनस इन्फिनिटी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, माइनस इन्फिनिटी एक्स माइनस इन्फिनिटी, वाई जा रहा है वन की तरफ। तो ये था हमारे पास पॉइंट्स, अब इसके ग्राफ की बात करते हैं। तो देखें जी क्वेश्चन नंबर 72 के अंदर ये हमारे पास पॉइंट्स हैं, तो यहाँ पे जाना वो जब एक्स आपके पास 2 है तो वाई आपके पास 1 है। तो देखें जी 2 काम ये है, जब एक्स आपके पास 2 है तो वाई 1, यहाँ पे इसके सामने यहाँ पे पॉइंट लगेगा। उसके बाद जाना वो जब एक्स माइनस 1 है तो वाई 0 है, एक्स माइनस 1 है तो वाई 0 यहाँ पे ही होता है, इसी पॉइंट के ऊपर होगा। उसके बाद जाना वो पहले इस पॉइंट की बात कर लेते हैं, इस पॉइंट की जो जाना वो इन्फिनिटी नहीं है, तो जब एक्स माइनस इन्फिनिटी को जा रहा है जब वाई आपके पास 1 है, तो देखें जी यहाँ पे जो है ना वो माइनस इन्फिनिटी की तरफ एक्स जा रहा है एट वाई इक्वल टू 1, तो ये वाई इक्वल टू 1 है बेसिकली, ये वाई इक्वल टू 1। यहाँ पे आप लोग जो है ना वो डॉटेड लाइन भी लगा सकते हैं, जिसको आप जो है ना वो हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट का नाम दे सकते हैं, डॉटेड लाइन ये वाई। तो एक्स जा रहा है माइनस इन्फिनिटी को और वाई 1 है, तो यहाँ से जो है ना वो माइनस इन्फिनिटी की तरफ ये मूव करेगा इस तरह से, तो वाई 1 के साथ साथ इस तरह चलता जाएगा यहाँ से, ठीक है जी। अब देखें जी अब जो है ना वो हमने ये पॉइंट हमारे पास रह गया इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है जब जो है ना वो वाई आपके पास जीरो है। तो देखें जी यहाँ से जो है ना इन्फिनिटी की तरफ जाएगा इस तरह से, ऐसे ये इस तरह चलता जाएगा इधर को, क्योंकि ये जब इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो इन्फिनिटी की तरफ जो है ना वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होता जा रहा है, तो एक्स एक्सिस पे ही आपके पास वाई जीरो होता है। तो इन्फिनिटी और जीरो यही आपके पास पॉइंट बनेगा, इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है और वाई यहाँ पे एक्स एक्सिस पे ऊपर जीरो ही होता है। उसके बाद जाना वो जीरो जीरो के ऊपर जब पॉजिटिव राइट हैंड लिमिट के अप्रोच करवाएं, ये जीरो आपके पास, ये बेसिकली आपके पास जीरो है। यहाँ से जाना जब राइट हैंड से अप्रोच करवाते हैं, राइट हैंड से अप्रोच करवाते हैं तो फंक्शन वाई जा रहा है इन्फिनिटी की तरफ, ठीक है जी। तो देखें जी ये राइट हैंड से जाना अप्रोच करवाया तो वाई ऊपर इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे जाना यहाँ से आप इसको जाना मजीद ऊपर खींचेंगे, इसको थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं इस पॉइंट को, ये आपके पास ऑलरेडी एक पॉइंट था इस तरह से, ठीक है। तो कहता है कि जब जीरो के ऊपर राइट हैंड से जाना वो इस जीरो की तरफ अप्रोच करवाते हैं तो वाई जा रहा है इन्फिनिटी की तरफ ऊपर की तरफ, तो ये देखें जी यहाँ पे कुछ इस तरह से ऊपर की तरफ जाएगा ये, क्योंकि यहाँ पे जगह थोड़ी सी कम है इसलिए आप इसको जाना वो कर्व्ड शेप में बनाएंगे, इस तरह कर्व शेप में बनाएंगे, ठीक है जी। क्योंकि ये जीरो कहाँ पर होता है, वाई एक्सिस के ऊपर, जीरो कहाँ पर होता है, वाई एक्सिस के ऊपर, इन्फिनिटी ऊपर की तरफ होता है, तो यहाँ से फिर ऊपर की तरफ ही जाएगा ना, समझ आएगी बात की। इसी तरह से जीरो के ऊपर नेगेटिव, लेफ्ट हैंड से जाना जब जीरो की तरफ अप्रोच करवाया तो वाई जा रहा है माइनस नीचे की तरफ, माइनस इन्फिनिटी नीचे की तरफ होता है, तो जीरो के ऊपर जब लेफ्ट हैंड, तो यहाँ से ग्राफ शुरू होगा क्योंकि यहाँ पे खत्म हुआ तो फिर यहाँ से शुरू होगा ना, तो जीरो के ऊपर नेगेटिव यानी कि ये आपके पास जीरो है, वाई एक्सिस के ऊपर जीरो, एक्स जीरो होता है, तो वाई कहाँ पर जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी नीचे की तरफ, तो इसको नीचे की तरफ ले जाए इस तरह से, ये लीजिए
ये था आपके पास आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, सिंपल था, इजी था। अगर आपको वीडियो को एक पॉइंट पे अच्छा लगता है सब्सक्राइब लाजमी किया करें, बेल के बटन को भी लाजमी प्रेस करें ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी कोई वीडियो अपलोड करता हूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। अगर क्यूरी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कोशिश किया करें, आप जो है वो इंस्टाग्राम पे या फिर व्हाट्सएप पे रब्ता कर लिया करें, या फिर जो है वो अगर आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में कोई क्वेश्चन पूछना होता है तो आप लोग जो है वो टाइम कोड मेंशन कर दिया करें डिस्क्रिप्शन में जाकर, कमेंट सेक्शन में जाके तो जिस वीडियो के में जो है ना वो फ़र्ज़ किया कि चार मिनट की जो जहाँ पे चार मिनट की वीडियो है, चार मिनट के ऊपर आपको कोई मसला आ रहा है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में लिख दें, वहाँ पर लिखेंगे ना मिनट्स, मेरा ख्याल है आप लिखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, तो फिर जो है वो मुझे भी समझ आ जाती है कि आपको वीडियो के किस हिस्से से आपको समझ नहीं आ रही होती। आप जो है वो अगर वैसे पूछते हैं सर वहाँ समझ नहीं आ रही तो मुझे जो है ना वो कम्प्लीट वीडियो दोबारा देखनी पड़ती है तो वो बड़ा इश्यू होता है। तो जो है वो आप लोग इस तरह की क्यूरी होती है आप लोग कोशिश करें कि मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन के अंदर, मैंने इंस्टाग्राम का लिंक और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दिया हुआ, वहाँ पर आप लोग ज्वाइन करें, रब्ता करें लेक्चर के हवाले से, आप पूछें, आपको जो है वो गाइड किया जाएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।